डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्चु मो चैनल को बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो पार्ट टू पढ़ा जोटा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स बा प्रोकैरियोटिक सेल। पूर्वर मु यूकैरियोटिक सेल विषय पढ़े सारी डीएनए रेप्लिकेशन कौन से बुझे सारी तेणु क्लास आरंभ करबा पूर्वर समस्त को अनुरोध सब्सक्राइब करूँ चैनल को और जदि मो क्लास टी पसंद आसला तेल लाइक निश्चय करेंगे। तो प्रथम कथा डीएनए रेप्लिकेशन कौन मो प्रीवियस क्लास से बुझे थी रेप्लिकेशन अर्थ होची डीएनए सिंथेसाइज करके तार निजर ओन टाइप रो गोटे डुप्लिकेट कॉपी तैयारी करबो बा मिरर इमेज तैयारी करले सेटा को डीएनए रेप्लिकेशन कहती। अर्थात जेटा पारेटाल क्या पारेटाल डीएनए थी मैटरनाल डीएनए हो या पैटर्नाल डीएनए तार जो डॉटर डीएनए जो बाहर से तार डुप्लिकेट कॉपी थी सेम थी एवं सेटा होची रिप्लेस होना नुआ डीएनए टे तैयारी होबाटा ठीक सिंथेसाइज होकर नुआ डीएनए तैयारी होगा होची डीएनए रेप्लिकेशन। तो यार गोटे देख जो प्रोकैरियोटिक सेल हुए आम जानते प्रोकैरियोटिक सेल कौन हुए जो गोटे बाइंडिंग साइट प्रथम से कौन जो ओरिजिन ऑफ बाइंडिंग साइट देख जो जगह से बाइंड कर पार ठीक अच्छे एटार तुम डायग्राम देखी पार बहुत गुटा बाइंडिंग साइट अच्छे देखना से कौन कर बाइंडिंग साइट रू ही तार जो तार आरंभ करबो रेप्लिकेट करने अनकोइलिंग अनविंडिंग करने को स्टार्ट करबो एवं से बाय डायरेक्शनल अर्थात दुई आड़े से धीरे 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 से तार रेप्लिकेट हो नुआ डीएनए से सिंथेसिस करी ठीक अच्छे से जोटा आमर इकोलाई रेप्लिकेशन अच्छी तार जो रेप्लिकेशन रे कौन हुए से दुई साइड को बाय डायरेक्शन रेप्लिकेट करी ठीक अच्छे आम गोटे डायग्राम रे बुझीपर देख मनकर यहाँ गोटे डायग्राम अच्छे डायग्राम रे देख मन कर गोटे डीएनए जो स्ट्रेट गोटे स्टैंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए अच्छी प्रथम यहाँ हूँ जो रेप्लिकेट साइट है तार ठीक अच्छे एठू कौन एपट साइड्रे भी से रेप्लिकेट करपट साइड्रे भी से रेप्लिकेट करसब ठीक अच्छे तेनाली बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेट रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन भी कहा जाए ठीक अच्छे एटार देख तुम्हें जमीक मुझ आगु भी कही कौन हम थ्री प्राइम जो साइड एंड साइड अच्छे थ्री प्राइम एंड साइड कौन हम आसिकिना आरएनए प्राइमरटा प्रथम ये आसी लगला ये लगिकिना यू से तार रेप्लिकेशन स्टार्ट कला। तो देख यहाँ कौन लीडिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट बोली कह अर्थात यू से तार टेम्पलेट हो नुआ डीएनए स्टार्ट है किंतु जोटा आम यड्रे जो अच्छे अच्छी लगिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट अर्थात ये कौन हम आरएनए प्राइमरटा जो आसिक लगे से कौन हम एम गोटे ये लगला फेटिके पर ये लगला फेटिके पर एमतीकना से छाड़ी 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 लगे जो कौन हम ना से जगार ओकाजाकी फ्रागमेंट तैयार ओकाजाकी फ्रागमेंट कौन जे डीएनए कम्प्लीटली कॉयल हो नौ मझे मझे छाड़ी 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 से तार हो पुणी परवर्त कौन हम से फिर पुणी थे जॉइंट होना न्यूली डीएनए तैयारी करबो। तो ओकाजाकी नाटा कौन है मुझे प्रीवियस क्लास कही ना तेनालीदेज ओकाजाकी हूँ जापानीज जापानीज साइंटिस्ट जड़े थे ना ओकाजाकी सीए प्रथम यही रेप्लिकेशन विषय बुझे थे तेनाली ना अनुसार यहाँ को ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या ठीक अच्छे तापर से देख तुम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन तुम देख तो तुम डायग्राम यार काम कौन है यहाँ प्रीवियस क्लास कहते यार काम है कौन योटा आम वाई सेप अच्छी एमती डीएनए टा कौन कयल हो सारापर ताक जो दुईटा जाक रेप्लिकेट कर वाई सेप पर धारण कर सी हुए तो दरकार पड़े आउ थे से कौन हम दरकार पड़े आउ थे से बाइंडिंग हो पाए किंतु ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जोटा अच्छी जो एस एस बीपी भी कह जाए सी कौन कर बाइंडिंग करने देवना अर्थात से दुईटा को अनकोयल करना रख ठीक अच्छे। तो यहाँ है पूरा रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन पूरा डायग्रामा तुम यू पज मारिक डायग्राम टाक काटी पार यहाँ काटले तुम जापर जो लीडिंग स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट कौटा लगिंग स्टैंडर्ड डीएनए कौटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या कह जाए डिटेल ठीक अच्छे। तो या विषय में आम विस्तृत पढ़ा फर्स्ट पॉइंट देख प्रोकैरियोटिक डीएनए इज रेप्लिकेटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। तो गोटे सेकेंड रे थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड को से रेप्लिकेट करी करी जाए ठीक अच्छे। आटा प्रीवियस क्लास रे भी तुम जानते थे फाइव प्राइम डायरेक्शन रु थ्री प्राइम डायरेक्शन को से कौन रेप्लिकेट करी करी जीवो ठीक अच्छे। सेकेंड पॉइंट देख डीएनए रेप्लिकेशन एम्प्लॉय ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम
ଇଚ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେ ଏଜ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ରୋଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଳକୁ ଆମ କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦରକାର। କାହିଁକି ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କି ପ୍ଲେୟର୍ ଇନ୍ ଦ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ ଡିଏନ୍ଏ ଚେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଦ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ର କ'ଣ ଦରକାର, ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ଦରକାର, ସେ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିକରି ଯିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଏବଂ ନୂଆ ଚେନ୍ଟାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଏନର୍ଜି। ଦିସ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଭ୍ ଥ୍ରୀ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ତେଣୁ ତିନିଟା ଫସ୍ଫେଟ୍ ଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼୍ରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। କେଉଁଥିପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଥ୍ରୀ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏନର୍ଜି କେଉଁଥିରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଟିପି ବା ଆଡ଼େନୋ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଟିପି ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ଥ୍ରୀ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଟାଚ୍, ତେଣୁ ଏଟିପି ଥ୍ରୀ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଠି ଆଟାଚ୍ ଥିବ। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ, ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରୋକ୍ କରିବ ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଫସ୍ଫେଟ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଲିଜ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫସ୍ଫୋଡାଇଏଷ୍ଟର। ମନେ ରଖିଥାଉ, ସେ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଫସ୍ଫେଟ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେ ଫସ୍ଫେଟ୍ଟା ଫସ୍ଫୋଡାଇଏଷ୍ଟର ନାଁରେ ହିଁ ସେ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଏନର୍ଜିଟା କ'ଣ କରିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବ। କେଉଁଥିରେ ବଣ୍ଡ କରିବ, ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଡିଏନ୍ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼୍ରେ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ହେବ, ସେ ବଣ୍ଡକୁ ସେ ତିଆରି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଦେଖ, ଫସ୍ଫୋଡାଇଏଷ୍ଟର ବଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇନକମିଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ ଚେନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ଥ୍ରୀ ମେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପଲିମରେଜ୍ ଆର୍ ପଲିମରେଜ୍ ଆର୍ ଦେର୍। କେଉଁଟା କେଉଁଟା ପଲିମରେଜ୍ ଅଛି, ତିନିଟା, ଯେଉଁଠି ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ୱାନ୍, ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ଟୁ, ଆଣ୍ଡ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ଥ୍ରୀ, ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ର କାମ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଫର୍ ଡିଏନ୍ଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। କେଉଁଥିପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଡିଏନ୍ଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବ, ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ଟୁ ଆର୍ ପ୍ରାଇମେରିଆଲି ରିକ୍ୱାର୍ ଫର୍ ରିପେୟାର। ତେଣୁ ଆଉ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ଟୁର କାମ ହେଲା ରିପେୟାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ କାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ଦେର୍ ଆର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଲ୍ଡ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଗିନ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କହିଥିଲି, ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେ ଓରିଜିନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଡିଏନ୍ଏରେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଓରିଜିନ୍ ସାଇଟ୍ ଦେଖିବ, ସେ ଓରିଜିନ୍ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଡିଏନ୍ଏ ଯେଉଁଠି ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ଇଷ୍ଟେରିଅର କୋଲାଇ, ଯେଉଁଟା ଇ କୋଲାଇ, ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ କ୍ରୋମୋଜମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ଲି 245 ବେସ୍ ପେୟାର ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଆଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜଡ୍ ବାଏ ସର୍ଟେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଟ୍ ବାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଦିସ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କେତେଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ସେ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନଟାକୁ ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ। ଆନ୍ ଏନର୍ଜି ସରି ଦ ଆନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କଲ୍ଡ ହେଲିକେଜ୍ ଅନ୍ୱିଣ୍ଡ ଦ ଡିଏନ୍ଏ ବାଇ ବ୍ରେକିଂ ଦ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବେସ୍ ପେୟାର। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନା ସେମାନେ ଯାଇକିନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଦେଖିଦିଅ, ମୁଁ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଳକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଛି। ନାଇଁ ଦେଖ, ଏଟିପି ହାଇଡ୍ରୋଲିସ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଜ୍ ଦ ଡିଏନ୍ଏ ଓପେନ୍ ଅପ୍, ୱାଇ ସେପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କଲ୍ଡ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଆର୍ ଫର୍ମ। କେମିତି ୱାଇ ସେପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର, ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଇ ସେପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି କରେ। ଏହାକୁ ୱାଇ ସେପ୍ ଫ୍ରଗ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ୱାଇ ସେପ୍ ହୋଇଥାଏ ନା, ଏଇ ୱାଇ ସେପ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ୱାଇ ସେପ୍ ଫର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଟୁ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍କ ଏଟ୍ ଦ
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर एक्सटेंड बाई डायरेक्शनली एज रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो तुमको तो मुझे पूर्व भी कही बाई डायरेक्शनली अर्थात दुई पर्सरे रेप्लिकेट हो जाए। ठीक अच्छे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नियर द रिप्लिकेशन फॉर टू प्रिवेंट द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रॉम विंडिंग बैक इनटू द डबल हेलिक्स। जोटा यहाँ तुमको जो कहते एसएसबीपी एसएसबीपी रो काम है पुणी थर से बाइंडिंग न हो जाओ से यार काम है से अनविंडिंग करके रख। डीएनए पॉलीमरेज इज एबल टू आड न्यूक्लियोटाइड ओनली इन द 5' टू 3' डायरेक्शन। इट ऑल्सो रिक्वायर ए फ्री 3' OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप टू हुईज इट कैन आड न्यूक्लियोटाइड बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 3' OH एंड द 5' फॉस्फेट ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोट। तेणु 3' कौन अच्छे हाइड्रोक्सी एंड अच्छे और 5' कौन अच्छे फॉस्फेट ग्रुप अच्छे से कौन हुए से गोटे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्रिएट करेंगे। ठीक अच्छे एनदर एंजाइम आरएनए पोल प्राइमर प्राइमेज जोटा कि तुम पूर्व भी जानते आरएनए प्राइमेज हूँ गोटे एंजाइम तार काम कौन सिंथेसाइज आन आरएनए प्राइमर दैट इज अबाउट 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड कॉम्प्लीमेंटरी टू द डीएनए प्राइमिंग डीएनए सिंथेसाइज। ठीक अच्छे तो आरएनए प्राइमेज राम कौन आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज कर। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आम ए प्राइमर प्रोवाइड द फ्री 3' OH एंड टू स्टार्ट रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज देन एक्सटेंड दिस आरएनए प्राइमर एडिंग न्यूक्लियोटाइड 1 to 1 दैट आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द टेम्पलेट स्टैंड। तो देखो द रेप्लिकेशन फोर्क मूव एट द रेट ऑफ द 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। एटा मत प्रीवियस रूम बुझेजी जे गोटे गोटे सेकेंड रे समाने पाखापाखी 1000 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करबो। डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली एक्सटेंड इन द 5' to 3' डायरेक्शन व्हिच पासेस ए स्लाइट प्रॉब्लम एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। एज वी नो द डीएनए डबल हेलिक्स इज आंटी पैरेलल दैट इज वन स्टैंड इन द 5' to 3' डायरेक्शन एंड द अनदर इज ओरिएंटेड इन द 3' to 5' डायरेक्शन। तेणु से कोइलिंग ही था गोटे 5' to 3' डायरेक्शन थी गोटे 3' to 5' डायरेक्शन थे तेणु से आंटी पैरेलल एक अन्य को पैरेलल होना था। ठीक अच्छे वन स्टैंड कॉम्प्लीमेंटरी टू द 3' to 5' पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क बिकॉज द पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड इन दिस डायरेक्शन। तो ये कौन है पॉलीमरेज कौन करबो गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड को समाने ऐड करी करी जिबे। ठीक अच्छे द अनदर स्ट्रैंड जोटा कॉम्प्लीमेंटरी टू द 5' to 3' पेरेंटल डीएनए इज एक्सटेंडेड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क इज स्मॉल फ्रैगमेंट नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट इज रिक्वायर ए प्राइमर टू स्टार्ट द सिंथेसाइज। तेणु आ गोटे गोटे स्टैंड जोटा हमारे लीडिंग स्टैंड हूँ 3' to 5' डायरेक्शन जोटा मुझे टी आगे तुमको डायग्राम भी बतई जो जगह कि सिंथेसाइज होना कौन हुए लीडिंग स्टैंड डीएनए बा नुआ डीएनए तैयारी हुए कितु जो एनदर आउ गोटे स्टैंड रहा जोटा कि लैगिंग स्टैंड से कौन अच्छे 5' to 3' डायरेक्शन से एक्सटेंड हो जोटा कि ओकाजाकी फ्रेगम स्मल छोट 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 से कट कट होना भितर जॉइंट रही पारती ना। ठीक अच्छे ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर नेम आफ्टर द जापानीज साइंटिस्ट टू हु फास्ट डिस्कवर देम। तो यहाँ मतलब कही ओकाजाकी जी साइंटिस्ट थे ना अनुसार ओकाजाकी फ्रेगमेंट हो द लीडिंग स्ट्रैंड कैन बी एक्सटेंडेड टू वन प्राइमर एलोंग व्हेयर एज द लैगिंग स्ट्रैंड नीड्स ए न्यू प्राइमर फॉर ईच ऑफ द शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तेणु तुम जान ओकाजाकी फ्रेगमेंटा केमती तुमको मुझे कही मन कर जब यही प्रकार अच्छी एटा अच्छे लीडिंग स्टैंड कितु यदि एमती टिके छाड़ी 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 अच्छी। ठीक अच्छे
ଏହାକୁ କହୁଛି ଓକାଜାକି ଫ୍ରେଗମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେଟା ଡିଏନ୍ଏ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେଟା ଏମିତି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମର୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ଫର୍ମ ଡିଏନ୍ଏରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଓଭରଅଲ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଗିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି 3' to 5', ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲିଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି 5' to 3'। ଦ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ୍ଲାମ୍ପ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏ ରିଙ୍ଗ ସେଭ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଟ୍ ବାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଟୁ ଦ ଡିଏନ୍ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଖିଦେବ। ହୋଲ୍ଡ ଦ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼। ତାପରେ ଟୋପୋ ଆଇସୋମରେଜ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ ଓଭର ୱିଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡିଏନ୍ଏ ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ ଆହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍କ ଆଜ୍ ଦ ଡିଏନ୍ଏ ଓପେନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ସୋ ବାଏ କଜିଂ ଟେମ୍ପରାରୀ ନିକ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଏନ୍ଏ ହେଲିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରିଲିଜ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଇସୋଟୋପୋମରେଜ୍ର କାମ କ'ଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଜ୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଦ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର୍ ଆର୍ ରିପେୟାର୍ ବାଇ ଡିଏନ୍ଏ। ତେଣୁ ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରାଇମର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଡିଏନ୍ଏକୁ ରିପେୟାର୍ କରିକରି ଚାଲିଲା। ଦ ପ୍ରାଇମର୍ ଆର୍ ରିମୁଭ୍ ବାଇ ଦ ଏକ୍ଜୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ୱାନ୍, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଗେପ୍ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ବାଇ ଦ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ପ୍ରାଇମର୍ଟା ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରାଇମର୍ଟା କାହିଁକି ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଏହାର ଥରେ ସେ ରିପେୟାର୍ ହୋଇଗଲା ଡିଏନ୍ଏ, ଡିଏନ୍ଏ ରିପେୟାର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଇଏ ତାର କାମ ସରିଗଲା। କାମ ସରିଲା ପରେ ଇଏ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ରିମୁଭ୍ ହେବ, ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ୍ ୱାନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଇନ୍ ନିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଲି ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆର୍ ସିଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଲିଗେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଟାଲାଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଫସ୍ଫୋଡାଇଷ୍ଟର ଲିଙ୍କେଜ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ 3' OH ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼ ଏଣ୍ଡ ଦ 5' ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେପ୍ଟା ଥିବ ସେ ଗେପ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଡିଏନ୍ଏ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଗଲା, ତାପରେ ଗେପ୍ ଥିବ ସେ ଗେପ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସେଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ। କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଏନ୍ଏ ବା ନୂଆ ଡିଏନ୍ଏଟେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏଟା, ଯେଉଁଟାକି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ର କିଛିଟା ସିମିଲାରିଟିଜ୍ ଅଛି। ତୁମେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।